हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको BEGE 101 BDP का कोर्स है जिसके लास्ट ईयर के पेपर अपलोड कर रही हूँ, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इससे आपको आइडिया होगा कि पेपर कैसे आएगा। और मैं इग्नू स्टूडेंट हूँ। ऑलरेडी मैंने ये ऐसा एक्सपीरियंस किया है, ऐसा करने के बाद मुझे 78% बना है। तो प्लीज़ सी इट, एंड अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और उसे लाइक करिए अगर आपके लिए यूज़फुल होता है, और उसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और शेयर करके अगर आपको इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसके MP क्वेश्चन भी अपलोड करने वाली हूँ, सो प्लीज़ सी इट। हेलो फ्रेंड्स, मैं BDP का जो सब्जेक्ट है BEGE 101 का लास्ट ईयर का पेपर अपलोड कर रही हूँ, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा एग्ज़ाम कैसे आने वाले हैं। और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करिएगा और लास्ट ईयर का पेपर एट लीस्ट पढ़ के ज़रूर जाइएगा। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, इसमें आपको ये मतलब ये आपको खुद अपने हिसाब से करना है पढ़ के। तो ये जो इसमें पोएम दी जाती है, कुछ लाइन्स दी जाती हैं, उसको आपको पढ़ के इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको अपने दिमाग से करना है, ये आपको कहीं से IMP नहीं मिले है। कि बाकी जो IMP हैं मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो आप उसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और ये लास्ट ईयर के पेपर को अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ के जाइए, नहीं है तो एटलीस्ट रीड करके जाइए। सो प्लीज़ सी लास्ट ईयर पेपर, दिस इज 2018। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये है लाइन्स पोएम, और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब ईयर में आते हैं, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको अपने माइंड के हिसाब से लिखना है, प्रॉपरली रीड करते हुए आपको इसके आंसर्स लिखना है। फिर इसी के बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, सफिक्स, ये सब क्वेश्चन है ऐसे पार्टिकल और प्रीपोजिशन के, तो ये क्वेश्चंस आते हैं। ये पूरा ग्रामेटिकल मेन इसमें है। फिर ये सेंटेंसेस आपको है, सेंटेंसेस फॉर्म करना है। फिर ये आपको है एक्सप्रेशन। पेपर इतना टफ नहीं है, पर अगर आप रेडी करके जाएंगे तो पेपर इजी है, कम टाइम में पेपर हो जाता है। पर आप सही लिखिए, क्योंकि ये ग्रामेटिकल बेस्ड है। फिर से आपको एक पोएम दिया गया है, दिस इज ऑल्सो, यहाँ पे आपको करेक्ट द सेंटेंस करना है। यहाँ आपको ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए गए हैं, कौन सा वर्ड इसमें फिक्स बैठेगा वो आपको देखना है। एग्ज़ाम तो इजी रहेगा, बट आपको उसके हिसाब से रेडी होके जाना है। तो मेरे ख्याल से आपको लास्ट ईयर का पेपर और मैं जो IMP दे रही हूँ उसको पढ़ के ज़रूर जाइएगा। कहीं से कुछ खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ, ये आएंगे ही। इतना तो आएंगे कि आपके अच्छे नंबर्स बन जाए, फर्स्ट डिवीज़न बन जाए। बिकॉज मैं स्टूडेंट रही हूँ और मैंने ये एग्ज़ाम्स दिए हैं और मेरा 78% है। सो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये सब बोल रही हूँ। ओके, थैंक यू, प्लीज़ सी द नेक्स्ट ईयर। ये 2017 का पेपर है, 2000 सेम सी देखिए आप, वैसे सेम आया है। ये पोएम दिया गया है, फिर से लास्ट में आपको पोएम दिया गया है, इसके बेसिस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन है 2017 का, ये है इग्नू 2000, ये 2016 का पेपर है। इन क्वेश्चन के बेसिस पे एक आपको आइडिया और आपका माइंड में एक मैप बन जाएगा कि मुझे कैसे रन करना है, कैसे स्टडी करना है और कैसे आंसर लिखना है। ये पेपर आपको जल्दी हो जाएगा, बट अब मेरा ये मानना है कि टफ पेपर में से है, क्योंकि ये ग्रामेटिकल बेस है, आप इसमें कुछ फेंक नहीं सकते, तो आपको पढ़ के ज़रूर जाना पड़ेगा। ये 2016 का पेपर है,
इसमें भी आप देख लीजिए कैसा आया है।